हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर बेस। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन खबर के साथ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहली बार में ही यूके का ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूके का ड्राइविंग टेस्ट सच में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनली मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास करके मैंने एक कार खरीद भी ली है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई। तो सबसे पहले दोस्तों, बात यह है कि मेरे पास एक्चुअल में इंडियन लाइसेंस था, जो मैं आराम से यूज़ कर सकता था और यहाँ पे मैं एक साल तक ड्राइविंग कर सकता था। बट द पॉइंट यहाँ पे ये था कि यार, यहाँ पे मैक्सिमम लोग अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, रूल्स के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं और रोड साइंस को देख के गाड़ी चलाते हैं। तो मुझे ये था कि यार, मैं अगर उस, क्योंकि हम मतलब इंडिया में हम लोग बहुत अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम गलत चलाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम रोड पे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, रोड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ब्रेक पे हमारा पैर ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते किसी पे भी, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ सकता है। बट यहाँ पे आपको रोड साइन फॉलो करने पड़ते हैं और नॉर्मली जो रूल्स हैं वो उसके हिसाब से मैक्सिमम टाइम पे चल जाता है। कुछ लोग रूल तोड़ देते हैं, वो एक अलग केस है। बट तो इंडिया की ड्राइविंग अलग है, यहाँ की ड्राइविंग सच में बहुत अलग है। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई, मैं तो पूरा प्रॉपरली, जिस तरह से हम लोग जो यहाँ पे जो बिल्कुल एज अ बिगिनर जो करता है ड्राइविंग के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही मैं भी अप्लाई करूँगा, एंड हियर आई गो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इसका होता है थ्योरी टेस्ट, और पैसे सच में बहुत ज़्यादा लगते हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों, होता है थ्योरी टेस्ट, और थ्योरी टेस्ट में आते हैं और उसका एक टेस्ट पूरा, थ्योरी टेस्ट में एक तो होता है थ्योरेटिकल, जहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, इनके एक व्हीकल हैंडबुक आती है, यूके हाईवे कोड है, तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ड्राइविंग के रूल आप पढ़ते हो, सीखते हो, और वहाँ पे वो थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करते हो। और उसी के साथ आता है आपका हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट, कि कहीं अगर कोई हैजर्ड आने वाला है डेवलपिंग या पोटेंशियल, कि जैसे कोई आदमी रोड पे खड़ा है तो वो क्या पता रोड क्रॉस कर सकता है, तो वो पोटेंशियल हैजर्ड हो गया, इस तरह से डिटेक्ट करना वो टेस्ट में होता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद एक बार मैंने फर्स्ट टाइम में ही मैंने अपना टेस्ट क्लियर कर दिया था। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अब दोस्तों प्रैक्टिकल टेस्ट, और प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है उसके लिए भी करीबन 60-70 पाउंड शायद पे करने पड़ते हैं। बट सबसे पहली चीज़ वहाँ पर ये थी कि अब ऐसे तो आपको रूल नियम तो रोड पे कैसे करेंगे कुछ पता है नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हायर किया, और इंस्ट्रक्टर सच में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मुझे एक जो सबसे सस्ता जो इंस्ट्रक्टर मिला है वो 23 पाउंड पर आर का मिला है, और शायद 23 या 29। तो एक दिन में 2 घंटे के सेशन को लेके आप सीधे लगा लो कि 60-70 पाउंड निकल जाते थे, खर्च हो जाते थे। अब मेन प्रॉब्लम, जब पहले दिन मैं ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गया तो मैंने देखा कि यार, अरे हमें तो सब ड्राइविंग आती है, हम तो कर लेंगे थोड़ा ये वो, तो स्टीयरिंग घूम रहा है, सब कुछ सही है। बट जब पता चला कि यहाँ पे तो रोड को बहुत प्रॉपरली स्कैन करना पड़ता है, लोगों के इंडिकेटर्स को देखो और रोड साइन देखो, स्पीड लिमिट देखो, बाप रे इतना कुछ कि दोस्तों मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और इनिशियली तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन आ गया कि भाई, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि ये तो क्लियर नहीं होने वाला पहली बार में। फिर मैंने कुछ क्लासेस और मैंने बुक की, और उसके बाद अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो है दोस्तों, मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखना स्टार्ट किया। वो मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प, अगर यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस हैं जो ड्राइविंग के जो लेसन्स हैं वो पूरा बता रहे हैं, तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि कहाँ पे आपको क्या करना है, क्या गलतियाँ आप करते हो और कैसे आप बच सकते हो, कहाँ पे आपको देखना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, रेड लाइट्स जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है, और जो भी रोड साइंस हैं और जो आपकी स्पीड लिमिट है, हर रोड पे कैसी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, उससे मुझे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो पैटर्न पता करने में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और उसके बाद फाइनली मैं जिस दिन, और क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर को मेरे पे कोई बिल्कुल भरोसा नहीं था, मतलब उसको तो ये था कि भैया ये क्या ही होगा, और कुछ क्लासेस चाहिए होंगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से वो टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा। 10 मिस्टेक्स हुई वैसे, मैं अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा भी दूंगा जो मेरा ड्राइविंग टेस्ट जो क्लियर हुआ है, और 10 गलतियाँ हुई, माइनर मिस्टेक से, कोई मेजर कुछ भी नहीं था।
और फाइनली वो टेस्ट मेरा क्लियर हो गया। तो इस तरह से इतना लंबा प्रोसेस होता है काफ़ी एक ड्राइविंग टेस्ट सीखने में, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस को, साइक्लिस्ट को, मोटरसाइकिलिस्ट को काफ़ी रोड पे तो काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। और एक्चुअल में आपको ड्राइविंग टेस्ट में तो ये आपको पक्का सिखाया जाता है कि कैसे आपको हर टाइम ड्राइव करते हुए ये पक्का ध्यान रखना है कि पेडिस्ट्रियन कोई पड़ोस पड़ोस में तो नहीं है, कोई साइक्लिस्ट तो नहीं है, कोई मोटरसाइकिलिस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो लोग रोड पे होते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा रिस्क है चोट लगने के। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। प्लस जो यूके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ के राउंड अबाउट। दोस्तों राउंड अबाउट के तो ऐसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि राउंड अबाउट कहीं छोटे हैं, कहीं बिल्कुल राउंड अबाउट जैसा है नहीं, केवल मार्किंग बनी हुई है, मिनी राउंड अबाउट्स हैं, और कहीं पे अगर आप बोलें तो कहीं पे स्पाइरल राउंड अबाउट हैं, और कहीं पे जो हाईवे वाले राउंड अबाउट्स होते हैं वो तो और बड़े बड़े कन्फ्यूजिंग राउंड अबाउट्स हैं। तो उसमें आपको कौन सी लेन पकड़नी है, किस लेन पे जाना है, अगर आपको राइट को जाना है तो आपको कौन सी लेन पकड़नी है, पहले से ही डिटरमाइन करना कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, क्योंकि आपकी गलती से दूसरा बिल्कुल बेखौफ चल रहा है कि ये गलती तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से सब मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हुई, बट फाइनली मेरा पहली बार में टेस्ट मेरा क्लियर हो गया। और उसी दिन मेरा एम्प्लॉयर बोला, नहीं भाई गाड़ी तो लेनी है, चाहे तू सैलरी एडवांस ले ले बट गाड़ी ले ले, एंड हेयर आई गॉट। तो गाड़ी मैंने थोड़ी सी सस्ती, हाँ गाड़ी भी सस्ती मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी के लिए मेरा मेन पर्पज़ था कि विंटर्स आ रहे हैं, और विंटर्स के हिसाब से मुझे अपनी मतलब डॉटर को नर्सरी छोड़ने के लिए जाना था, और वो अभी तक हम बाइक में उसको लेके जा रहे थे, तो ठंड काफ़ी होती थी, सीट इंस्टॉल कर रखी थी हमने उसमें। लेकिन अब फाइनली क्या हो गया कि वो अब कम से कम एटलीस्ट ये मेरा पर्पज़ था, तो ये मैंने कुछ 1400 पाउंड में मुझे गाड़ी मिल गई। ऑडी 2003 मॉडल है, पुरानी गाड़ी है लेकिन काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है जिसने भी रखी हुई थी, तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे हो नहीं रही है, और नॉर्मल एवरेज बेसिक एवरेज ये मुझे दे रही है, तो मेरा अभी के लिए मेरा काम निकल जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे ये सब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भी यूके में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, बट इसके साथ हाँ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद जब एक बार आप गाड़ी चलाते हो इतने सारे स्ट्रगल के बाद तो डेफिनेटली आप काफ़ी केयरफुल गाड़ी चलाते हो, तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है। एनीवेज दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।